हेलो दोस्तों, कोविड स्वास्थ्य सहायक 15वें दिन भी धरना जारी। इस पूरे मुद्दे पर नई अपडेट। राजेंद्र जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से अपील है कि वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बारे में सकारात्मक रुख अपनाकर उनको राहत दें। कोरोना का क्या भरोसा, कब वापस आ जाए? इन प्रशिक्षित नौजवानों को आप एक और एक्सटेंशन दे दीजिए। इसी ट्वीट के साथ उन्होंने दो फोटो भी ट्वीट की, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया एक पत्र है उनके लेटर पैड पर, जिसमें लिखा है, आदरणीय अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सस्नेह अभिवादन के साथ मैं आपका ध्यान कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने की ओर दिलाना चाहता हूं कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आने से कोविड स्वास्थ्य सहायकों में बहुत बेचैनी है। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य से जुड़े कोई भी मैटर पर खामोशी अच्छी नहीं है। जिन नौजवानों ने कोविड के भयंकर दौर में अपना योगदान दिया, उनकी सेवाओं में एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। बेशक इनकी सेवाओं के बदले इन्हें वेतन मिलता था और सरकार ने एक सीमित समय के लिए संविदा पर ही नियुक्त किया था, पर आज अचानक बेरोजगार होने से नौजवान हताश हो गए हैं। राज्य के नौजवानों को रोजगार देने को आप हमेशा अपनी प्राथमिकता मानते रहे हैं। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के धरना स्थल पर आने से युवाओं में एक आस बंधी थी। उसके बाद कोई सरकारी प्रतिक्रिया नहीं आने से सब में सरकार के उदासीन रवैये का संदेश जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस बारे में अपना वक्तव्य दें, चाहे तो CHA के हक में हो या इसके विपरीत, पर सरकार का रुख स्पष्ट होना चाहिए। इससे इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। उम्मीद है आप इनिशिएटिव लेंगे। सादर आपका, फिर इन्होंने साइन किए नीचे। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की पूरी इन्होंने अपनी बात रखी है और एक्सटेंशन देने का उनसे आग्रह किया है। देखते हैं गहलोत जी इस बारे में क्या बयान देते हैं, क्या उनका रुख होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।